पाकिस्तान और चीन, जिनके बारे में अक्सर हम सुनते हैं जनाब, ऑल वेदर फ्रेंडशिप, डीपर देन पता नहीं ओशंस एंड हायर देन हिमालयस एंड स्वीटर देन हनी, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो चाइनीज वर्कर्स एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लिया हुआ था, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उधर जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी 10 चाइनीज जो नेशनल्स थे उनके ऊपर हमला हुआ और वो जान से चले गए और 26 जख्मी हुए, और ये सुइसाइड धमाका हुआ था। और उस वक्त हमने इसको बड़ा कवर किया और डिस्कस किया था। अभी चाइनीज ने क्या किया कि उन्होंने वो वहां पे काम करना बंद कर दिया था, और आज कल यानी कि फ्राइडे को हुकूमत पाकिस्तान ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो, और उसने जो है वो जो कैबिनेट की कमेटी होती है, उन्होंने उसे अप्रूव करवा लिया है कि उन चाइनीज को 11.6 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे इन अ गुडविल जेस्चर। इन अ गुडविल जेस्चर तो ये कोई नहीं है, ये तो तौंदे गुडर खा के उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। और ये अगर आपको मैं बता दूं कि 11.6 मिलियन मेरा ख्याल है कोई 2 अरब के करीब शायद रुपया बनता है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो, अब इमेजिन कर सकते हैं कि 11-10 बंदे यहाँ पे अगर जाएं जिनकी जान चली जाए, क्या हम उनको 2 अरब रुपया देते हैं? और ये जो चाइनीज हैं, इन्होंने सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट, पहले तो कुछ बातें चल रही थी शायद के जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने 37 मिलियन डॉलर मांगा था, ठीक है जी, और एज ए कंपनसेशन गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट प्लान्स तैयार किए थे, जिसमें एक प्लान था 4.6 मिलियन डॉलर का, एक प्लान 20 मिलियन डॉलर का था, यानी कि वो 810 मिलियन डॉलर एंड 3.6 बिलियन रुपीज का। लेकिन गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे हैज एग्रीड टू पे कि जी हम आपको 11.6 मिलियन डॉलर देंगे। और इस बात पे जो है वो चाइनीज जो है वो सुनने में आया कि थोड़े से ठंडे हुए हैं। अब पहले तो जारी बात है, ये सिक्योरिटी वालों से पूछा जाना चाहिए कि इस पे अगर इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया, आई विश कि ये नुकसान ना होता, ये 2 अरब रुपए हम अपने सिक्योरिटी पे लगा लें, ये 2 अरब रुपए हम अपनी इंटेलिजेंस पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इन पे लगा लें, तो हमारे लिए कितने ही मसले आसान हो जाएं, ना कि हम ये 2 अरब रुपए कंपनसेशन में देते रहे। और ये क्यों करके हुआ और इसका क्या कोई वाकई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ये बात की जा सकती है ये उनका कसूर था? क्या हमने किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया इस हवाले से या कि नहीं ठहराया? और अगर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया और ये फैसला कर लिया है कि हाँ जी ठीक है, बस हम उनको दे देते हैं और कोई बात नहीं क्योंकि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब ये है कि आपने चाइनीज विक्टिम्स को पैसे दे दिए, हमें ये नहीं पता चला कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके बारे में क्या हुआ है, और अगर कुछ हुआ है तो केस कहाँ तक है? फिर ये हमने इंटरनल भी असेसमेंट करनी होती है कि क्या हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था, हम क्यों इस चीज को प्रॉपरली गार्ड नहीं कर सके। जाहिर बात है मूविंग वैन के ऊपर इस तरह सुइसाइड हमला होना, ये वही हमला हुआ था जिसको पहले हमें कहा गया था कि इसके अंदर गैस सिलेंडर फटा है और ये सारी चीजें, बाद में पता चला ये गैस सिलेंडर नहीं है, और उन्होंने, आपको पता है कि काम बड़ी देर बंद करके रखा, फिर उन्होंने बाद में कहा जी कि ठीक है हम जो है वो काम को शुरू करते हैं जब हमने उनको एश्योरेंसेस वगैरह दिलवानी शुरू कर दी, एश्योरेंसेस दे दी, और चाइनीज जो एम्बेसी है उन्होंने भी इस पे रोल प्ले किया, और ये उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा एक टफ मैसेज दिया चाइनीज ने जी। अगर आपको याद हो कि चाइनीज इंटीरियर मिनिस्टर और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त बात की थी कि, और उस वक्त चाइनीज के ऊपर ये प्रेशर था कि भाई अगर आप हमारे लोगों को इसी तरह ही बींट चढ़ाते रहेंगे दहशतगर्दी के और आप हमें टेक केयर नहीं करेंगे, हमें प्रॉपरली गार्ड नहीं करेंगे, तो फिर हम जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने काम बंद कर दिया। अच्छा मजे की बात है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है वो आता भी चाइनीज सिक्योरिटी के ऊपर है। मेरा ख्याल है मिलिट्री ने भी 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज की हुई हैं, वैसे भी सिक्योरिटी की चाइनीज के ऊपर काफी हमने देखा है कि उनके इन्वेस्टर्स को और उनको को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल वगैरह दिया जाता है हर लिहाज से, जिसका नुकसान आपको पता, ये भी हुआ था रिसेंटली पिछले साल 1.5 साल 2 साल पहले, जब चाइनीज ने यहाँ पे लोग चाइनीज सिटीजन आए और भेष बदल के पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां करके ले गए यहाँ से, और लोगों को ये था पता नहीं सी पैक आ गया और पता नहीं चाइनीज क्या क्या लेके आएंगे, वो बीच में फ्रॉडिये भी आ गए, सारा कुछ आ गया, और उसका बड़ा नुकसान हुआ कि ये चाइनीज यहाँ से ले जाते थे
और वहां पे जाके उनके किसी के गुर्दे निकालने, किसी का क्या करना। और बाद में मुझे याद, आई थिंक कि चाइनीज ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जरा मीडिया वगैरह को कंट्रोल करें, वरना हमारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, उस वक्त ये बातें काफी चली थी कि चाइनीज इस हवाले से बड़े परेशान है कि अगर इसी तरह ही पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ये लगातार आ तो हमें बड़ा मसला पैदा होगा। सो वो तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने समहाउ वो रुक गया सिलसिला, लोग भी अलर्ट हो गए और इस तरह चीजें शुरू हो गई। लेकिन अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना जो है वो नाराज है। अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी चीन जा रहे हैं, और ये चीन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जब पावर में आए थे 2018 में, तो आते ही उन्होंने रिव्यू कह दिया था कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रिव्यू करेंगे, और जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी जो JCC की मीटिंग होती थी उसको भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, उसमें भी हॉल्ट आ गया। 2 साल तक वो, मेरा ख्याल है, मीटिंग भी नहीं हुई थी उस वक्त। और चाइनीज ने जो है वो, उन्होंने प्री कंडीशन कोई लगा दी, कोई पाकिस्तान ने प्री कंडीशन लगा दी, बहुत सारे जो पावर टैरिफ जो थे वो चाइनीज इन्वेस्टर्स के साथ रीनिगोशिएट हुए और सारी चीजें वो रुक गई। सो CPAC तो ओवरऑल जारी बात है रुका हुआ था, और फिर चाइनीज ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जी जो आपने हमारे को $1.5 अरब देना है वो भी दें, और दूसरा ये है कि आप, फिर पाकिस्तान ने चाइनीज को कहना शुरू कर दिया कि $13 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होल्ड पे पड़े हैं, उसकी इंश्योरेंस कवरेज और बहुत सारे मसाइल इनके होना शुरू हो गए। दैट वाज बेसिकली प्योरली पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो थी इमरान खान साहब की, जिसको बहुत सारे लोगों ने समझा ये सही है, और बहुत सारे ने समझा कि ये गैर जरूरी थी, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि सारे के सारे CPAC के ऊपर चीजें जो है वो स्लो हो गई हैं। लेकिन देख लें, चाइना जो है भले पाकिस्तान का कितना ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो, कोई भी आपको माफ नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहेगा जी ठीक है आप जो मर्जी करते रहे, हम आपसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, ऐसा एक चीज इसमें समझने की है, चाइनीज जो है उन्होंने ये जो पैसे लिए हैं हमसे, 2 अरब रुपए, 2 बिलियन लिए हैं, एक तो ये वो अमाउंट है, अगर चाइना के अंदर लोग जो है उनकी जाने चली जाएं तो चाइनीज डू नॉट पे एट दिस नंबर, और ये समझा जाता है कि ये अमाउंट डबल है। अब जारी बात है मेरे पास ये तकसीम तो नहीं है कि डेथ्स, जिनकी डेथ्स हुई उनको कितने मिले और जख्मियों कितने मिले हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जरूर हुआ है कि ये जो पाकिस्तान ने पैसा दिया है चाइनीज कंपनी को, ये वो अमाउंट उस अमाउंट से डबल है जो चाइनीज अपने सिटीजन को देते हैं जो उनकी ही टेरिटरी में किसी वजह से मर जाते हैं या दहशतगर्दी में या किसी कुछ चीज में। सो उन्होंने हमसे डबल अमाउंट ली है इस हवाले से, और काम भी बंद किए रखा, प्रेशर भी डाले रखा, और ये सारी चीजें जो हैं वो हुई। अभी आपको पता है कि रिसेंटली भी इमरान खान साहब ने चाइनीज बिजनेसमैन को बुलाया हुआ था, और जो इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं वो भी एक्टिव हैं, जिसमें ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइजेस एसोसिएशन, पाक चाइना इंस्टीट्यूट है वो भी बड़ा एक्टिव है, और दूसरा ये है कि ये सारे चाइनीज एम्बेसी भी बड़ी एक्टिव है, कि जो जो स्पेशली जो नए डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको किस तरह जो है वो बैरियर्स रिमूव करके इन्वेस्टमेंट्स को वहां पे इनहेंस किया जाए। और हम बार बार, हमारे वज़ीरे आज़म को चाइना जाना पड़ता है, शी जिनपिंग तो एक दफ़े ही आते हैं, जारी बात है उनको तो बार बार आने की जरूरत नहीं है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि हम बार बार जब चाइना पहुंच जाते हैं तो फिर वो इज्जत नहीं रहती, वो चीज़ें नहीं रहती, उनको पता होता है ये तो आ ही रहे हैं, इनका क्या है, ये आते रहते हैं, देर इज नॉट अ बिग डील ऑन दिस। सो मेरा ख्याल है एक तो हमें ये जो कंपनसेशन दे के एक चीज का तो अंदाजा लग गया, और खासकर जो आजकल दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं कि हमें अपना गार्ड हाई करना है, जो गार्ड हमने लोअर किया हुआ है, चीजों को हम इजी ले रहे थे कि भाई दहशतगर्द चले गए हैं वो कोई चक्कर नहीं है, अब आप देखें जितने भी लोग की जाने जाएंगी पैसे तो देने पड़ेंगे, और खासकर चाइनीज को, चाइनीज तो हमें माफ नहीं करेंगे क्योंकि चाइनीज के ऊपर प्रेशर ये है कि चाइनीज जो है वो अपनी आवाम की परवाह ही नहीं करते। आपको याद है शुरू शुरू में जब CPAC के हवाले से CPAC प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आए तो बताया गया जी कि बहुत सारे जो चाइनीज वो हैं, चाइनीज इनमेट्स हैं जो चाइनीज जेलों में थे उनको रिहा करके यहाँ पे लाया गया है और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे काम कराया जा रहा है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। फिर चाइनीज आपको, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है तो एट टाइम्स चाइना के ऊपर ये बड़ा प्रेशर आता है कि वो अपने लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने लोगों को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो जहां मर जाए कोई पूछते ही नहीं है। तो बेसिकली चाइना ने ये पैसे
पैसे लेके ये बावर कराया इंटरनेशनल कम्युनिटी को और बड़े हाई लेवल में पाकिस्तान से बात करके और सारी करके कि भाई ये काम इस तरह नहीं चलेगा, आपको हमारे लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी, इंटरनेशनली भी हमें अपनी रिस्पेक्ट करवानी है। सीपैक बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि सीपैक उस तरह का एक प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा पोलिटिसाइज्ड है मेरा ख्याल है, और सबसे ज्यादा डिस्कस भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि चाइनीज ने पाकिस्तान में तो सियासतदान आपको पता है प्रोजेक्ट्स के फायदे उठाते हैं कि जी ये मैं लेके आया सीपैक, पीपल्स पार्टी वाले हमारे कहते हैं कि जी ये तो बीआरआई भी हमारा ही आइडिया था, तो आशीर कहता है मेरे दौर में आया, इमरान खान ने तो आगे उसने कहा मेरे दौर में नहीं आया, ये पहले का आया हुआ है, लेकिन उसने आके एक काम किया, उसने बंदी करा दी हर चीज एक दफा, उसने कहा बाद में देखा जाएगा। सो चाइनीज के ऊपर प्रेशर ये है, और सबसे ज्यादा पोलिटिसाइज प्रोजेक्ट है ये सीपैक, जिसमें हमारी फौज भी मतलब जो है वो इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस भी, फॉरन ऑफिस भी, बिजनेसमैन भी, सारा मीडिया भी, हर चीज इन्वॉल्व है इसमें। तो ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली चाइनीज के लिए बड़ी कंसर्न है। हालांकि रिसेंटली भी जो चाइनीज एम्बेसडर जनरल बाजवा से मिले हैं वहां पे यही एश्योरेंस दी गई थी कि हम आपके लोगों की टेक केयर करेंगे, और स्पेशली किया भी है बहुत टेक केयर, लेकिन जाहिर बात है कि दहशतगर्द भी अपने अरूज पे हैं, और वो उनके पास रिसोर्सेज आजकल बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो इम्प्रोवाइज जैसे व्हीकल बोन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो कि ये दासू प्रोजेक्ट पे जो चाइनीज जा रहे थे इनके लिए लगाई गई थी, मैंने एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछा था, उन्होंने कहा था दिस इज वेरी कॉस्टली बिकॉज आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंदे चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको वो कैरियर चाहिए, तो ये सारा कुछ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स, लॉट ऑफ मनी, ये सारा कुछ बड़ा जो है वो चाहिए होता है। वो के पाकिस्तान ने एक चीज की है कि पाकिस्तान ने इन में जो लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर पेनल्टीज बड़ी तेज की हुई है, जस्टिस सिस्टम बड़ा तेज घूम रहा है, खासकर अगर आपको याद हो कि जिस तरह का अटैक ये दासू में हुआ था, दासू जाते हुए ये हुआ था, इसी तरह का ये हाफिज सईद के जो घर के बाहर भी हुआ था, तो हाफिज सईद के जो घर के बाहर हुआ था उनमें तो लोगों को मेरा ख्याल है सजाए मौत या कुछ इस तरह की दे दी गई है, विच इज इन अ वे के पाकिस्तान में ये मैसेज दिया गया था कि जो भी इन्वॉल्व होंगे मुलवस होंगे बेसिकली तो वो जो प्लानर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको ये पैगाम दिया गया था कि आपकी एक ही सजा है और वो सजाए मौत है अगर आप लोगों ने इस तरह दहशतगर्दों का साथ दिया। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई विल से इज कि ये जो सीपैक के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इसमें पाकिस्तान ने सिक्योरिटी तो बड़ी इनहेंस की हुई है, प्राइम मिनिस्टर अभी जा रहे हैं दोबारा रीअश्योर करने चाइनीज गवर्नमेंट को कि आप चाइनीज इन्वेस्टर को पाकिस्तान लेके आए, जो इस इंडस्ट्रियल हमने इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं वहां पे आके वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, हम आपको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे ताकि आप तेजी से बिजनेस जो है वो हो सके, तेजी से इन्वेस्टमेंट हो सके और एक्चुअली प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो सके। और चाइनीज रिसेंटली ये बात भी हमारे नोटिस में आई है कि चाइनीज जो है वो परेशान भी हैं कि वो शायद कुछ चाइनीज परेशान है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है, द रीजन बिहाइंड इज वो समझते हैं कि कुछ अमेरिकन जो हैं कुछ चाइनीज कंपनीज पे सैंक्शन लगा सकते हैं चाइना के अंदर, और खासकर आपको याद होगा कि कुछ जो रिसेंटली सिंकियांग रीजन में कुछ कंपनीज के ऊपर जो है वो अमेरिकन ने सैंक्शन लगाई थी, तो वो हो सकता है वो जो इंडस्ट्री है उसको वो पाकिस्तान जो है वो मूव ऑन कर दें कि उनको यहाँ पे ले आया जाए, ताकि जो है एक तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब होंगे और दूसरा ये है कि वो कंपनीज जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही हैं उनके लिए एक साहब की सेफ हेवन बन जाएगी जी, ठीक है हम वो उधर तो नहीं है पाकिस्तान में ही है, तो शायद अगर पाकिस्तान के ऊपर कल को सैंक्शन लग जाए जी बात के ऊपर जी कि ये कंपनी हम पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज है इसको हम बैन करते हैं, तो दैट विल बी अ न्यू डिप्लोमेटिक एक मूव जो उस वक्त चल जाएगी, बट एनीहो दैट इज समथिंग एल्स, वो फ्यूचर की सारी कहानी है। लेकिन ये जो 11.6 मिलियन दिया है, एक तो चाइनीज ने अपना जो बात कही थी पूरी कर ली, उन्होंने कहा तो अनौसा छटना कोई नहीं, पैसे लेने लेने, और हमारे लिए भी इसमें बड़ा सीरियस पैगाम है कि भाई अपनी सिक्योरिटी के जो लोग इसमें मामूर होते हैं उनको मेक देम अलर्ट, और हमारी आगे गरीब मुल्क है इतने पैसे नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें कि हम बाहर के मुल्कों के आने वाले लोगों को यहाँ पे कंपनसेट करते हैं और ये सारा कुछ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली
बड़े सारे लोगों को तकलीफ हुई है पाकिस्तान में इतना पैसा देने की, और इसमें चाइनीज वो कहते हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी थी, और लेकिन ये बेसिकली उस प्राइवेट कंपनी ने चाइनीज प्रेशर पे ये पैसे लिए हैं, और चाइनीज ने जारी बात है उनको था कि हम पाकिस्तान को जरा थोड़ी पेनल्टी डालें ताकि ये हमें मजीद सीरियस लें। सो दिस वॉज बेसिकली अ मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टेक चाइना सीरियस इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन, अदरवाइज फिर अगर आप हमारी ख्याल नहीं करेंगे तो हम भी आपकी चीजें उस तरह परवाह नहीं करेंगे। सो दिस 11.6 बिलियन डॉलर इज अ बिग मनी। इतने तो चाइनीज भी अपने लोगों को नहीं देते जिस तरह मैंने पहले बताया जो उन्होंने पाकिस्तान से लिया।